नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं इस समय जिस मार्ग पे खड़ा हूँ, एक संपर्क मार्ग है जो सिसण कला गर्गजपुर पशुवाड़ी को जोड़ता है। तो इस मार्ग का भी दर्जनों जो है गांव स्थित हैं और आप देख सकते हैं कि इस मार्ग पर जो जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जबकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो सोच है, जो मंशा है, इसके विपरीत है और खिलाफ है। तो सरकार का जो एक गाइडलाइन थी कि 15 नवंबर तक जो सभी रोड जो है गड्ढा मुक्त हो जाए, तो यह रोड जो है गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। तो हमारा दायित्व है कि इस रोड के बारे में जो है सरकार तक जो है अपनी बात पहुँचाए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य जो हरेराम यादव जी, और उनसे जो है बात करेंगे और जानेंगे कि ये रोड जो है अभी तक क्यों नहीं गड्ढा मुक्त हुआ, क्या कारण रहा। हम जिला पंचायत सदस्य हरेराम यादव, मैं बताना चाहता हूँ कि सिसण कला गर्गजपुर संपर्क मार्ग जिसमें दर्जनों गांव हैं, शमसुद्दीनपुर, पशुहाड़ी, नूरपुर, इन गांवों के लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। हर लोग आने जाने में गाड़ी घोड़ा लेके अपने परेशान हैं। किसी की गाड़ी पलटा मार दे रही तो किसी की गाड़ी लड़ जा रही है। एक्सीडेंट तमाम इस रोड पे हो रहा है। कई किलोमीटर मार्ग है, कितने किलोमीटर मार्ग जो खराब है? 2 किलोमीटर मार्ग है, 2 किलोमीटर से कम ही है, मगर सरकार एकदम ध्यान इस पे नहीं दे रही है। जनप्रतिनिधि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार विधायक से और सांसद से भी रिक्वेस्ट और कहा गया कि इस रोड को आप लोग बनवा दीजिए, मगर इस रोड पे किसी का ध्यान नहीं गया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से, योगी महाराज से, कि आपने गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश करने के लिए वादा किए जनता से, खुले चैलेंज किए कि गड्ढा मुक्त कर देंगे 15 नवंबर तक, मगर अब तक इस पे काम नहीं हुआ, न शुरू हुआ है, न कोई आसार दिखाई दे रहा है कि शुरू होगा। बरसात के समय में ये रोड में कुएं जैसे 2-3 जगह इतना गड्ढा हो गया था। कहाँ पे? एक पुलिया बनी है गर्गजपुर और शमसुद्दीनपुर के बीच में, पशुवाड़ी के सामने 500 मीटर दूर पे पुलिया बनी है। पुलिया के उस पार भी गड्ढा हो गया था, इस पार भी गड्ढा हो गया था। मैं निजी गिट्टी लेकर 2 टाली, एक टाली उस गड्ढे में और एक टाली इस गड्ढे में डाले, क्योंकि गाड़ी घोड़ा बंद हो गया था, आना जाना दुभर हो गया था लोगों का। लोग घूम कर जाते थे नहर पकड़कर। हमने देखा लोगों का पीड़ा देखा, तो हमने कहा कि यार कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। तो 2 टाली हमने गिट्टी लाया, 1 टाली गिट्टी पुल की उस पार डाले और 1 टाली गिट्टी इस पार डाले, तब जाकर गाड़ी घोड़ा जाना लोगों का तय हुआ। नहीं तो उससे पहले रास्ता कम से कम हफ्तों 2 हफ्ता बरसात में बंद हो गया था। इसमें कोई नहीं आता जाता था, पैदल भी नहीं जा पाते थे लोग, क्योंकि उस कुएं जैसा गड्ढा हो गया था 2-2 रोड में। मैं सरकार से दरखास्त देना चाहता हूं कि इस रोड को जल्द से जल्द मरम्मत या बनवाया जाए, क्योंकि दर्जनों गाँव इस रोड पे है। हर आने जाने वाले लोग अपने आप को कोसते हुए आते और जाते हैं। हर व्यक्ति इस रोड से रात में, दिन में जब भी चलता है आदमी परेशान हो जाता है। डेली प्रतिदिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है इस रोड में। मन में बहुत पीड़ा और दुख होता है कि हम लोगों के हाथ और बस में कुछ नहीं है कि कर पाए। हम लोगों के बस में ही है कि सरकार को हम लोग बताएं कि इसको रोड को बनवाया जाए, हर हाल में इस रोड को बनवाया जाए। हम लोगों का यही गुजारिश और रिक्वेस्ट है और विनती है सरकार से कि इस रोड को बनवाया जाए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं जो जिला पंचायत सदस्य हरेराम यादव जी थे, जिन्होंने इस रोड के बारे में, जो कि बलिया जिले के सीयर ब्लॉक अंतर्गत जो है ये रोड है, शमसुद्दीनपुर, सिसण कला, पशुहाड़ी, गर्गजपुर, इस तरह के जो है कई गांवों को जो है यह जोड़ने वाला रोड है, और यह चाहते हैं कि सरकार जो है इस रोड के बारे में संज्ञान ले और इस रोड पर जो जल्द से जल्द काम शुरू हो और यह रोड भी गड्ढा मुक्त की श्रेणी में जो है शामिल हो। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ तबीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत मीडिया।